नमस्कार, मैं हूँ मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के। नमस्कार, मैं अरुण कुमार ओझा, सीएम इंडिया टीवी और सिने आजकल न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। यहाँ मैं संदेश भोजपुर बिहार के संदेश प्रखंड मुख्यालय में हूँ। यहाँ सरपंच संघ का चुनाव चल रहा है, तो आइए यहाँ अध्यक्ष पद किसको मिला मैं अध्यक्ष जी से बात करता हूँ। तो आप यहाँ सरपंच, आपका नाम क्या? मेरा नाम कन्हैया सिंह कुशवाहा। सरपंच पद से कौन है? सरपंच पद से मेरे पत्नी संतोषी देवी जी हैं। अभी जो चुनाव हुआ उसमें आपको अध्यक्ष पद मिला है, तो आप ये बताइए सर, सरपंच का काम क्या होता है? सबसे तो पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद देता हूँ और यहाँ जुटे जितने भी सरपंच लोग हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस पद लायक समझे। इसके लिए मैं अपनी पत्नी की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। सरपंच का काम है न्याय करना। पंचायत में दो कार्य होते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हम लोगों का सरपंच का काम है न्याय करना, किसी के साथ भेदभाव न करना। अगर किसी का प्रति कोई दबाव बनाता है तो उसको मदद करना। और मैं ये आप लोगों का आश्वासन देना चाहता हूँ पूरे संदेश प्रखंड के जनता को कि किसी के साथ मैं भेदभाव नहीं करूँगा और जो भी पदाधिकारी हैं उनसे मिलकर हर प्रतिनिधि को मान सम्मान दिलाने के लिए लड़ाई लड़ूंगा। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि सरपंच ग्राम कचहरी होते हुए भी गांव में आप लोगों का बैठक नहीं लगता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी पहले की बात को तो मैं नहीं कुछ कहूँगा। अभी वर्तमान में हम लोग बने हैं और जो आप कह रहे हैं इसको मैं निराधार मान रहा हूँ, क्योंकि हमारे पंचायत में हम अपना बैठक करा रहे हैं, एक बैठक हम करा चुके भी हैं पंच के साथ और हमारे ग्राम कचहरी भवन नहीं है। इसके लिए मैं वीडियो साहब से बातचीत करूँगा, वो कैसा निर्देश देते हैं वैसा अपना मैं पा। तो आइए अभी अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष पद से निर्वाचित और गलत सहूंगा नहीं या किसी के दबाव में नहीं आऊंगा, मैं जो भी कार्य करूंगा। मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहूंगा सर कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की आवश्यकता क्या पड़ी जो आप लोगों ने अभी अध्यक्ष पद का चुनाव किया? इसलिए कि हमारी संघ मजबूत रहेगी और सारे संघों को इकट्ठा लेकर मैंने अपनी पंचायत को नहीं 11 पंचायत को इकट्ठा करके सही निर्णय और सही फैसला करने का हमने अगुवाई करूंगा हम लोग। इसलिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सचिव का चुनाव गठन हुआ है। तो अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है, पंडुरा पंचायत के सरपंच, जो आज मेरी संघ उपाध्यक्ष बनाई है। उपाध्यक्ष के चुनाव के बाद अभी मैं ये सचिव हैं, इनका भी चुनाव हुआ है। तो आइए, सचिव पद के प्रतिनिधि हैं, सबसे पहले मैं इनसे परिचय जानना चाहूँगा, अपना परिचय बताइए। श्याम बाबू पासवान, रामासन पंचायत के सरपंच, बिजानती देवी के कार्य काम को देख रेख करने वाला या पीओ कहिए, प्राइवेट पीओ। हम लोग अपना पंचायत में पंचों को लेकर बैठक करते हैं और पिछले भी 5 साल जो कार्य किए अच्छे तरीके से किए, कोई शिकवा शिकायत जनता के द्वारा अपने न प्रशासनिक कूटनीति में न कोई राजनीतिक में, हम अपने सरपंच महोदय के सफाई के अनुसार हम अपना काम किए। जनता के घर घर जा कर के ये झगड़ा हो, विवाद हो, जमीनी हो, जो भी प्रक्रिया हो, हमने उनके घर उनके दरवाजे तक जा करके अपना निर्णय लेकर के हम सोचते हैं कि जिला में हमारा केस बाहर न जाए। हमारा ग्राम पंचायत सरकार इसीलिए प्रतिनिधि बना करके दिया कि जिला का चक्कर न काटे, थाना पर न आए। हम इसके कार्य में लौनी रहते हैं और आभार भी अपना जनता को रखेंगे और रहे हैं और फिर रहेंगे।
आपसे अंतिम प्रश्न ये पूछूंगा सर कि सचिव पद का कार्य क्या होता है? सरपंच पद ये संघ है, संघ के अध्यक्ष महोदय को चुनने के बाद उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष के बाद सचिव, ताकि हमारा जो संघ है सभी ये पार्टी सभी कार्य में, या मुखिया हो, वार्ड हो, पंच हो, सरपंच हो, सभी का उपाध्यक्ष, उपसचिव और सब लोग रहता है। तो हम लोग भी अपना संघ को मजबूत रखने के लिए सचिव और अध्यक्ष और तीनों पद का हम लोग चुनाव कर दिए, और इसलिए कि हमारा संघ मजबूत रहे, हम लोग का कोई प्रशासन भी कोई दबाव न डाले, हम लोग करेंगे न्याय जो खुल कर करेंगे और सफाई से करेंगे, इंसाफ देते रहेंगे पूरे जनता को, पूरे प्रखंड से। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभी आपने सरपंच। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज़। नमस्कार।